हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, यानी कि आज हम पढ़ेंगे ISO के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके FSSAI या फिर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। ISO तो लगभग कई सारे एग्जाम, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISO के बारे में, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही एक पार्ट है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो उसी का एक पार्ट है, तो उसी के अंडर में ये आता है। तो इसको हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ISO के बारे में। उसके बाद में जो आपके सिलेबस में है वो है ISO 22000, जो कि फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ISO ही अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें तो शायद ये फिनिश नहीं हो पाएगा, कई सारे वीडियो लग जाएंगे। तो ISO के बारे में एक जनरल आइडिया जो है वो उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में हम ISO 22000 को नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो इजिली मिल सके। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही साथ आप हमें 3 जगह पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पे। ठीक है, ये कुछ मेरे बारे में है, आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एक पहले इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही था, जिसमें हमने CAC के बारे में बात करी थी, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो या फिर FSSAI में किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब भी बात आती है तो वहां पर CAC जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अगर ISO की बात करें तो ISO भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि ISO में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सर्टिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ISO में क्वालिटी भी है, इन्वायरमेंट भी है, और आप देखेंगे IT सेक्टर भी आ जाता है, फिर आप देखेंगे मैकेनिकल सेक्टर्स भी आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल भी आ जाता है, तो सभी को ISO लेना पड़ता है। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर CAC की, तो CAC जो है वो स्पेशली इनका फोकस जो है वो फूड को लेकर के ही स्टैंडर्ड्स बनाने पर रहता है। ठीक है, तो इसलिए CAC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन लोगों ने इसके बारे में डिटेल में नहीं देखा है, आप कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं, जो कि मतलब हमने 1 से 2 महीने पहले बना करके डाला था। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ISO के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो ISO है एज अ एब्रीविएशन कहीं भी नहीं यूज होता है, जहां भी आपको ISO दिखेगा उसका पूरा नाम ही लिखा होगा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा देखें ISO के बारे में कि आखिर ISO है क्या, तो यहाँ पर देखिए सिंपली लिखा हुआ है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ISO इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये इंटरनेशनल है, इसके साथ ही साथ ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, एक तरीके से ये इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेड अप ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मेंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है वही एक्चुअल में मेंबर है। ठीक है, तो ISO में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेड अप ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये दिया गया है कि इट डेवलप्स एंड पब्लिश अ वाइड रेंज ऑफ प्रोप्राइटरी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर देखो 3 स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है, जो ISO है क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं और पब्लिश करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोप्राइटरी और इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये दिया गया है एंड इज कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात करी, यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सी बॉडी है जो ISO में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको जैसे कि पता है कि अब ये अगर बात करें यहाँ पर ISO के जो भी सेशंस वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ पर कोई सारा कंट्री तो जाता नहीं है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर हर एक कंट्री से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो बॉडी होती है या फिर कोई मेंबर होता है जो जा करके वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कमेंट करके बताना है इंडिया को कौन ISO में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि आईएसओ के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया कि एक वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर उसका काम ही यही है कि स्टैंडर्ड्स को बनाना और उनको पब्लिश करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, एक बेसिक आइडिया मिल गया आईएसओ के बारे में आखिर वो करते क्या है। अब अगर हम बात करें आईएसओ की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि आखिर आईएसओ आया कहाँ से, क्यों इसको लाया गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है जो कि आईएसओ की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनकी कुछ स्टोरी है जो कि यह कहती है कि इन लंदन 1946 की बात है, वहाँ पर जो था 65 डेलीगेट्स फ्रॉम 25 कंट्रीज, यानी कि 65 जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम 25 कंट्रीज, मीट टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मिल करके डिस्कशन किया इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1947 में जो है आईएसओ ऑफिशियली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब आईएसओ कब स्टार्ट हुआ था, तो जो ऑफिशियली जो स्टार्ट हुआ था वो 1947 में स्टार्ट हुआ था विथ 67 टेक्निकल कमिटीज के साथ में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखनी है। तो ये वो डेलीगेट्स हैं जिनका यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने कुछ डिस्कशन किया 1946 में, उसके बाद में 1947 में आईएसओ जो है ऑफिशियली एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है जो भी चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो यहाँ पर बात करी गई है आईएसओ के फर्स्ट ऑफिसर्स के बारे में, दूसरी बात करी गई है कि पहला स्टैंडर्ड कौन था। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आईएसओ में नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, आप देखेंगे कि 9000 फैमिली है, उसके बाद में आप देखेंगे 22000 है, 27000 है, उसके बाद में देखें 9000 इस टू 2015 है, तो कई सारे आईएसओ में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो आईएसओ का फर्स्ट ऑफिस के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन 1949 आईएसओ मूव्स इनटू ऑफिसेस इन अ स्मॉल प्राइवेट हाउस इन जेनेवा, ठीक है। इन द अर्ली 1950s द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैज 5 मेंबर ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे देखो 1946 में कुछ बात हुई, फिर 1947 में क्या हुआ, वो ऑफिशियली एग्जिस्ट किया, लेकिन 1949 में ये जा करके एक ऑफिस में शिफ्ट हुआ, ठीक है। ऑफिशियली एग्जिस्ट कर गया था लेकिन उस टाइम पे कोई ऑफिस नहीं था, उसके बाद में जेनेवा में 1949 में एक ऑफिस में ये शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में 1950 में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना जिसमें 5 मेंबर का एक स्टाफ बना। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मतलब आप समझते हो, जहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, दिल्ली में है जो कि, तो जहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर है कि आईएसओ फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या था, यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, तो जो आईएसओ का फर्स्ट स्टैंडर्ड था वो ये था, इन 1951 में आया था द फर्स्ट आईएसओ स्टैंडर्ड जिसको कार्ड रिकमेंडेशंस एट दिस टाइम बोलते हैं, ठीक है, जिसको जिसका नाम था आईएसओ ऑब्लिक आर 1:1951। तो 1951 में आया था इस वजह से 1951, और ये पहला स्टैंडर्ड है इस वजह से इसको 1:1951 बोलते हैं, और आईएसओ ऑब्लिक आर आर मतलब रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये इसका नाम था, ये आपको याद रखना है, याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर जिसको आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आईएसओ के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया फॉर्मेशन जैसा कि हमने बात करा, तो 1947 आपको याद रखना है, 23 फरवरी 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। टाइप की अगर बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो इस समय करंट टाइम में, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय पे 165 मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर एडी नोरगे जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इन आईएसओ, ठीक है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आईएसओ है वहां पर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को वो करता है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई हुई है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है कि कुछ पॉपुलर आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी तक आए हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ISO 9000 फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि 9000:9001, फिर उसके बाद में 9000:2008, 9000:2015, इस तरीके से कई सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से इसको ISO 9000 फैमिली बोलते हैं, जो कि स्पेशली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ये क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते जाते हैं, कुछ क्लॉज में कुछ एडिशन करते जाते हैं, इस वजह से कुछ के अपडेटेड वर्जन्स वगैरह आते रहते हैं, इस वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है कि ISO/IEC 27001, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप IT का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कोई सर्विस वगैरह लेते हैं तो उनके पास में ये ISO होता है, ठीक है। उसके बाद में ISO 45000 फैमिली, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी वर्क करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये जो ISO सर्टिफिकेट है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें ISO 6, जो कि कैमरा फिल्म स्पीड के लिए है। उसके बाद में बात करें ISO 639, जो कि लैंग्वेज कोड्स के लिए है। उसके बाद में ISO 4217 जो है वो करेंसी कोड्स के लिए है। उसके बाद में ISO 8601 जो है वो डेट एंड टाइम फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो इनका मतलब यहाँ पर बस यही है, आपको याद रखना है कि सिंपली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लिया कि अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई वर्क करता है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया मेडिकल डिवाइस, अब मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ भी करती है, तो उसे यहाँ पर ISO 13485 आपको मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है, आप चाहो तो देख सकते हो कि आप किसी भी शॉप पे जाओ या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे उस पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के बारे में, तो वहां पर वो इंडस्ट्री जिस टाइप का वर्क परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग उसने ISO ले रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ISO 14000 जो है वो फैमिली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है। उसके बाद में बात करें ISO/IEC 17025 जो है वो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप देखोगे कि ना NABL एक्रेडिटेटेड जो लेबोरेटरीज होती है ना, तो वहाँ पर आपको अगर आप देखोगे कि जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, ठीक है, मान लेते हैं कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में आपने देखा कि बहुत सारी लेबोरेटरी जो है वो NABL एक्रेडिटेटेड है, क्योंकि जब कोविड आया था उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके बाद में उन्होंने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद में देखा कि हाँ ये जो लेबोरेटरी है ये टेस्टिंग करने के लिए कैपेबल है, इनके पास में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है। उसके बाद में सब उनके बाद में उसके पास में आपको देखने को मिलेगा कि उन सभी के पास में आपको 17025 ISO देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही लोग टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं जिसके पास में ये ISO सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ISO 20121 जो है वो सस्टेनेबल इवेंट्स के लिए है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ISO 22000 जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, जिसके लिए FSSAI में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसी वजह से हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एक ISO 26000 आ जाता है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, ISO 31000 जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, उसके बाद में ISO 37001 है जो कि एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। उसके बाद में देखेंगे ISO 3166 जो है वो कंट्री कोड्स के लिए है। उसके बाद में देखेंगे ISO 50001 जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में हमने देखा, आपको सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर कितने सारे ISO आपको देखने को मिले। अब आप कभी जा करके कभी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसकी वेबसाइट पे जा करके, कंपनी की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हो, क्योंकि वो लोग डिस्प्ले करते रहते हैं कि उनके पास में कौन कौन से ISO सर्टिफिकेट हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ISO है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ISO के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। इतना हमने पीछे भी पढ़ा, डैट डेवलप्स स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द क्वालिटी। देख रहे हैं आखिर वो स्टैंडर्ड्स को वो डेवलप करते हैं, आखिर क्यों डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड्स को, उनको स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया गया है स्टैंडर्ड टू इंश्योर द क्वालिटी, एक तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, इसके साथ ही साथ सेफ्टी और एफिशिएंसी को। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, अगर मान लेते हैं कि कल को आप कोई मतलब लो कॉस्ट का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लेकिन वो आपके लिए यूजलेस होता है, उसके बाद में अगर आप
फर्दर आप जब कभी भी परचेज करते हो तो आप अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट खरीदते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आईएसओ का यही काम ही है, जो स्टैंडर्ड्स वो डेवलप करते हैं उससे ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, अगर आप देखते हैं उनके पास में आईएसओ सर्टिफिकेट है तो अगर वहां से आप लेते हैं तो ये चांसेस हैं कि ये काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी इन द सेंस अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हाँ अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी सेफ्टी भी रहनी चाहिए। वो फूड भी हो सकता है, अगर आप उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेस एंड सिस्टम। देखो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दो ही तरह की मेजर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या तो वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस जैसे कि जितनी आईटी कंपनीज हो गई, ठीक है, टीसीएस हो गया, या फिर आप बैंक की बात करेंगे तो बैंक हमें क्या करता है, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कोई बायोटेक कंपनी हो गई, या तो फिर कोई फार्मा कंपनी हो गई, या फिर किसी जो मैकेनिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी हो गई, तो वो सारा प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आईएसओ जो है वो दोनों ही के लिए होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, किसी भी टाइप का काम हो, तो वहाँ पर आपको आईएसओ देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह आईएसओ एग्जिस्ट करता ही करता है आज के टाइम पे। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। देखो पीछे जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो थे कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स थे, जैसे 9000, 22000, 27000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि टाइप्स ऑफ आईएसओ। जब हम टाइप्स ऑफ आईएसओ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के आईएसओ देखने को मिलते हैं, एक आईएएफ है, ठीक है, एक नॉन आईएएफ है। आईएएफ का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आगे समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर आपको दो तरह के सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं आपके सामने। तो दो इमेज जो डिस्प्ले हो रही है उनको आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, ठीक है। देखो पहली जो इमेज है ये आईएएफ आईएसओ की है, ठीक है, दूसरी जो इमेज है वो नॉन आईएएफ आईएसओ की है। देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो ये जो इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको देखो ये आईएसओ जो है ये दिख रहा है, ठीक है, आईएसओ नहीं, सॉरी, आईएएफ जो है वो आपको दिख रहा है। इस आईएसओ सर्टिफिकेट पे आपको आईएएफ दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको कहीं भी आईएएफ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये जो है ये नॉन आईएएफ है, ठीक है, ये आपका नंबर वन हो गया, ये आपका नंबर टू हो गया, एक आपका आईएएफ है, एक आपका नॉन आईएएफ है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो सर्टिफिकेट क्यों हैं? देखो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों को, तो जो आपका आईएएफ सर्टिफिकेट होता है वो अगर आप उसको लेना चाहते हो तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप नॉन आईएएफ लेना चाहते हो तो इसका कॉस्ट इसके कंपैरिजन में जस्ट हाफ होता है, ठीक है। इसका जो कॉस्ट होगा, आईएएफ सर्टिफिकेट का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अब आखिर अगर एक महंगा है और एक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक का कॉस्ट बहुत कम है, तो हम क्यों ज़्यादा वाले को लें, आखिर क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखो तो यहाँ पर ये है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला वाला है आईएएफ और दूसरा वाला जो नॉन आईएएफ, यहाँ पर दोनों में एक डिफरेंस ये है कि मान लेते हैं कि अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, सेल करोगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर आप सेल करोगे तो वहां पर हो सकता है कि अगर आप इतने बड़े लेवल पे काम करो तो जो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं वहां भी आप अप्लाई करोगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वहां पर, तो जो आईएएफ वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं, ये विदाउट आईएएफ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक मेजर हो गया। उसके बाद में बहुत सारे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे कोचिंग्स देखे होंगे, बहुत से कंप्यूटर क्लासेस की कोचिंग्स वगैरह देखी होंगी, तो वो जब आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जब आप वहां से कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली नॉन आईएएफ होता है, क्योंकि वहां पर उन्हें किसी टाइप की जरूरत नहीं होती, इस वजह से उनका काम जो है वो चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप टेंडर्स वगैरह करते हो, इसके बाद में आप अपनी कंपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो एक मतलब ये रहता है कि अगर आपके पास आईएएफ सर्टिफिकेट है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि प्रॉपरली आपका ऑडिट वगैरह होगा, यानी कि
जो भी ऑडिटर्स होंगे वो ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के बाद में सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में पूरा इंस्पेक्शन होने के बाद में फिर वो आपको आईएएफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो उसी हिसाब से डेवलप होता है। अगर किसी के पास आईएएफ सर्टिफिकेट है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, और बहुत ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं आईएएफ के बारे में, ठीक है। आखिर आईएएफ है क्या? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है, उसको आपको ये समझना है कि मान लेते हैं कि हमने अभी आईएसओ के बारे में सुना, ठीक है। आईएसओ के बाद में ये आईएएफ आ गया, आईएएफ के बाद में आप देखेंगे कुछ एक्रेडिटेशन बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक्रेडिटेटेड बॉडीज और ये आईएएफ और उसके बाद में आईएसओ, इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें, देखो अगर मान लेते हैं कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक कंपनी हो, एक फर्म हो और आपको आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे आप? आईएसओ डायरेक्टली आईएसओ से नहीं ले सकते, आईएसओ जो है वो आईएसओ सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आ जाता है आईएएफ, ठीक है। आईएएफ क्या करता है, ये एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। उसके बाद में कुछ एक्रेडिटेटेड बॉडीज आती हैं जो आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये किस लेवल में एक सिस्टम चला आ रहा है, किस तरीके से आप आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के बारे में, देखें कि आखिर ये है क्या, तो यहाँ पर दिया गया है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएएफ टू डेवलप अ सिंगल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि जो आईएएफ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिंगल वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम को डेवलप करना, ठीक है, ऑफ कन्फर्मिटी असेसमेंट। इस टर्म को आपको याद रखना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में समझेंगे। कन्फर्मिटी असेसमेंट रिड्यूसिंग रिस्क फॉर बिजनेस एंड एंड यूजर बाय इंश्योरिंग रिलायबल एक्रेडिटेटेड सर्टिफिकेट्स एंड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई मैकेनिकल डिवाइस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम कर रहा है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी, मतलब एक एक्सपर्ट टीम जो होती है वो उनको बनाती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप उन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके अगर आप अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात तो वहाँ पर उससे आपका जो रिस्क होता है फॉर बिजनेस, जो बिजनेस रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो एंड यूजर के लिए अगर कोई रिस्क बन सकता है यूजर के लिए, तो वो भी कम हो जाता है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय इंश्योरिंग रिलायबल एक्रेडिटेटेड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मान लेते हैं कोई कंपनी अगर आईएसओ सर्टिफिकेट ले रहा है, तो उसे आईएसओ सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं मिल जाता है, उसके प्रॉपर उसका ऑडिट होता है, ऑडिटर्स ऑडिट करने के बाद में आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एक रिलायबल एक्रेडिटेटेड सर्टिफिकेट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप एक कंपटीशन जो होता है मार्केट में उसको आप कम कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे एडवांटेज आ जाते हैं। एक तो आप अच्छे तरीके से काम करते हो, जो रिस्क होता है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, इसके साथ ही साथ एक रिलायबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर में किसी कंपनी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लेकर के, कि अगर उसके पास में ये सर्टिफिकेट होता है तो, ठीक है। उसके बाद में नीचे हमने जो एक टर्म पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कन्फर्मिटी असेसमेंट। देखो कन्फर्मिटी असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्मिटी असेसमेंट इज द नेम गिवेन टू द प्रोसेसेस। एक ऐसा नेम है जो किसी, देखो जब कन्फर्मिटी और असेसमेंट को दोनों को जब आप अलग अलग पढ़ोगे ना, तो दोनों का मतलब सेंस एकदम अलग निकलेगा, लेकिन जब कन्फर्मिटी असेसमेंट दोनों को साथ में मिला के पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस अलग दिखेगा। तो कन्फर्मिटी असेसमेंट इज द नेम गिवेन टू द प्रोसेसेस दैट आर, उस प्रोसेस के लिए ये नाम दिया गया है, दैट आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोडक्ट सर्विस और मैनेजमेंट सिस्टम और बॉडी मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है ये एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा नेम है जो उन प्रोसेसेस को दिया जाता है जिसमें आप देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और सर्विस और मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वो ये देखते हैं, ये चेक किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉडी है, जो भी काम कर रही है, वो जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आईएएफ कह सकते हो कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम है जो कि एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एक तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
उसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, कुछ कुछ बॉडीज हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 बॉडीज दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो देख रहे हैं ब्यूरो वेरिटास है, ठीक है, टीयूवी नॉर्ड है, टीयूवी सुड है, उसके बाद में बीएसआई है, टीयूवी रिनलैंड है, उसके बाद में देखेंगे आप इंटरटेक है। ये 6 सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं जो आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आपने देखा जो आईएसओ जो है वो आप डायरेक्टली आईएसओ से नहीं ले सकते हो, उसके बाद में इन सारी बॉडीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो है आईएएफ का, यानी कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम का। और आपको अगर आईएसओ लेना है तो आप इन बॉडीज के थ्रू आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो है बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। अब आखिर जो आईएसओ है उसके क्या बेनिफिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर 5 पॉइंट हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सेप्टेड बाय ग्लोबली। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास में आईएसओ सर्टिफिकेट है और मानते हैं आपके पास में आईएएफ आईएसओ सर्टिफिकेट है, तो वहां पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज होंगी वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फॉरेन कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है और कुछ इंडियन कंपनी भी हैं जो फॉरेन में ट्रेड कर रही है, तो वो उन सभी के पास में आईएसओ सर्टिफिकेट है और उनका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। सेकेंड पॉइंट ये है, कंपनीज कैन रिड्यूस द कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। सही बात है कि अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेट का यूज करते हो, यानी कि आप आईएसओ के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आप अपने कंपटीशन को भी रिड्यूस कर सकते हो बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है थर्ड पॉइंट में, विद द हेल्प ऑफ आईएसओ कंपनीज कैन रिड्यूस देयर ह्यूज लॉसेस। जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अच्छे से उनका फॉलो कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंग अगर आप काम कर सकते हो, तो वहां पर आप अपने जो लॉसेस हैं उनको काफी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। जो ह्यूज लॉस आपको हो सकता है उसको आप कम कर सकते हो उन पैरामीटर्स का यूज करके। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ आईएसओ कंपनीज कैन एंटर इजली इनटू द न्यू मार्केट। एक यहाँ पर ये भी है कि जो अगर आपने नई कंपनी स्टार्ट की है कुछ भी है, तो वहां पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा कर रखते हो, यानी कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यूज करके अगर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिट करने लायक है, तो इस वजह से आप न्यू मार्केट में इजिली एंटर कर सकते हो, आपको वहां पर भी बैरियर्स नहीं मिलेंगे। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, कंपनीज कैन बिकम मोर कॉम्पिटिटिव बाय ऑफरिंग बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो जब आईएसओ की बात आती है तो आईएसओ सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो यानी कि आप आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जब आप आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ये श्योर है कि वो प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा और इसके साथ ही साथ जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो भी एक बेस्ट क्वालिटी की सर्विस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं आईएसओ के, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे आगे आगे यानी कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, उसमें हम आईएसओ 22000 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इतना बहुत है, वरना आईएसओ में पढ़ने के लिए बहुत है। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है, किसी को लगता है कि हमने कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस करी हैं, वो इजिली वेबसाइट पर जा सकता है आईएसओ की और वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में अवेलेबल हैं, उसको पढ़ सकता है। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमें लगता था उतना हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपको कमेंट करके यार ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।